त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर आज दांडी मार्च की वर्षगांठ पर विश्व शांति की ओर कदम पद यात्रा का आयोजन किया गया। अहिंसा प्रकोष्ठ के निदेशक दुलाराम सहारण ने बताया कि शांति मार्च आज सवेरे 8 बजे इंद्रोणी पार्क से शुरू होकर कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर सम्पन्न हुई। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में दांडी व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने की। मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने कहा कि गांधी एक संस्कार है, गांधी एक आंदोलन है। गांधी जी के द्वारा ही आज हम लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर HR ईशरान दांडी, SDM राहुल सैनी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महेश मोहन पुकार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारत के आजादी के आंदोलन में एक अहम दिन था। अहम दिन इस हिसाब से कि इस दिन गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी सहित 79 और सत्याग्रही और गांधी जी समेत 79 सत्याग्रहियों का एक जत्था साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर बसे हुए गांव दांडी की ओर प्रस्थान किया। 1757 से उसी समय से ही लागू कर दिया गया था। उससे पहले भी हल्का फुल्का टैक्स इस पे हुआ करता था, लेकिन उस समय इस टैक्स को 3 बढ़ा दिया गया। ये टैक्स 20वीं आते आते इतना बढ़ चुका था कि 1930 में इससे जो राशि इकट्ठी होके इंग्लैंड जाती थी वो 7 million pounds की थी। आप सोचिए, उस समय के 7 million pounds को अगर आप आज के समय पे देखना चाहो, उस समय पे आने आज के 1000 से ज्यादा के होते थे, तो 7 million pounds जो आज के दिन भी मायने रखते हैं, यानी आज के टाइम के 60-70 crore, उस समय वो कितनी बड़ी राशि रही होगी। इंद्रमणि पार्क से चुरू में जो है, इंद्रमणि पार्क से इसको इस यात्रा को रवाना किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर इसका समापन गांधी जी की मूर्ति पर माला पहना करके फिर दांडी यात्रा के बारे में बता करके इसका का जो है इसके बारे में बता करके इसको गोष्ठी का आयोजन किया गया है और उधर लोगों को समझाया जाएगा, उनको डिटेल्स है और उधर इसका समापन कर दिया जाएगा।